नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश कुमार। हम लोग पिछले लेक्चर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट किए थे, जिसमें से एक लेक्चर हम लोग कर लिए थे। अब उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इसमें थोड़ा सा अगर हम उसको रिवीजन कर ले तो था कि कुछ नहीं, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आप सिग्मा बॉन्ड की संख्या और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या, इन दोनों को केवल जोड़ देना है, ठीक है ना। और जोड़ने के बाद अगर ये दो है तो एस पी लिखना है, तीन है तो एस पी टू लिखना है, चार है तो एस पी थ्री लिखना है, पांच है तो एस पी थ्री डी लिखना है, छः है तो एस पी थ्री डी टू लिखना है, सात है तो एस पी थ्री डी थ्री लिखना है। ये हमने पिछले क्लास में बात किया था, ठीक है ना। अब एक आध एग्जाम्पल्स को लेके समझ लें। तो ये एग्जाम्पल था कि जैसे SO2 में का हाइब्रिडेशन निकालें, तो SO2 में सल्फर का, याद रखिए कि हमेशा हम लोग हाइब्रिडेशन सेंट्रल एटम का निकालते हैं। और सेंट्रल एटम क्या होता है, तो पिछले क्लास में पढ़े थे कि जिसकी संख्या, जिस एटम की संख्या किसी कंपाउंड में सबसे कम है उसी को सेंट्रल एटम कहा जाता है। तो सेंट्रल एटम यहाँ पर सल्फर हो जाएगा। फिर हमने कल ये भी बताया था कि अगर दोनों की संख्या अगर सेम हो जाए तो उसमें देखना है कि किसके एटॉमिक नंबर अधिक है, ठीक है ना। तो चलिए SO2 का निकालना है। तो इसका स्ट्रक्चर देखोगे दोस्त, तो एस डबल बॉन्ड ओ और कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ, यहाँ पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो सिग्मा बॉन्ड की जो संख्या हो जाएगी, तो किसी भी प्रकार के बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड फिक्स होता है। तो यहाँ पर जो था सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड की संख्या दो हो गया और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या वन हो गया। दो और एक मिल के तीन हो जाएगा और तीन रहेगा तो हाइब्रिडेशन SP2 हो जाएगा। यानी इतना चीज हम आपको पिछले क्लास में बता चुके थे। अब इसी क्वेश्चंस को, जैसे देखिए कई स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम है कि उसको बॉन्डिंग बनाने नहीं आता है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब उसको जल्दी से निकालने नहीं आता है। तो उसके लिए हम आपको वो ट्रिक्स बताते हैं। वो ट्रिक्स अगर फॉलो करेंगे तो आपको सिग्मा सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, आपको स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग उसी पे बात करने वाले हैं, ठीक है ना। यानी कि कैसे हम ये सब बिना स्ट्रक्चर बनाए सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल लेते हैं। और अगर सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर आपको पता हो जाए तो आसानी से जोड़ के और उसके बाद हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे आपको ये टर्म यहाँ पर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन TVE निकालना है। क्या निकालना है? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन TVE सबसे पहले ये निकालना है। ये टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है हम आपको भी बताएंगे। और अगर ये टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से कम या 8 के बराबर है तो इसको 2 से भाग देना है, 2 से डिवाइड कर देना है। कब? जब 8 के बराबर या 8 से कम रहेगा तब। अगर यह 8 से अधिक और 56 के बराबर या 56 से कम हो तो इसको 8 से डिवाइड करिएगा। और अगर अगर यह 56 से अधिक हो तो इसको 18 से डिवाइड करिएगा। ये कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं कि है क्या। इसको आप पहले समझिए कि निकालना क्या है बाबू, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 8 से कम है तो 2 से डिवाइड करिए, अगर 8 से अधिक 56 से कम या 56 के बराबर तो 8 से डिवाइड करिए, और अगर ये टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 56 से अधिक है तो 18 से डिवाइड करिए। अब कई लोगों के दिमाग में सर निकालेंगे कैसे, पहले ये तो बताइए कि निकाला कैसे जाता है, उसके बाद ही डिवाइड हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो हम आपको निकालना सिखा रहे हैं कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। चलिए इसको आप जल्दी से उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी में, ठीक है ना। देखिएगा जैसे एक एग्जांपल सिखाते हैं आपको, देखिएगा कि CO2 को समझ लें, ठीक है ना। CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें निकालना है बाबू टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। चलो आपको क्या पता है कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो आपको ये निकालने आना चाहिए। कैसे निकालोगे दोस्त? 6 पर होता है कार्बन, 2.4 सेल के अनुसार,
और ऑक्सीजन होता है 8 पर 2.6। जो बाहरी सेल होता है, बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन होता है, उसी इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। यानी कार्बन के बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 हो गया। ऑक्सीजन के बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। यानी इसका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 6 हो गया। अब चलिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी इन दोनों एटम को वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकाल के जोड़ देंगे तो टोटल निकल जाएगा। तो बताइए कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है बाबू? 4। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6। लेकिन ये ऑक्सीजन एक गो है कि दो गो? तो दो गो है, तो 2 से गुना कर दिए। अब जैसे ही आप 2 से गुना कर दोगे बाबू, तो 2 से गुना करने पर 6 × 2 = 12 × 4 = 16। ये कितना आएगा? 16 आ जाएगा। और अभी आप देखो ट्रिक्स में हमने दिखाया है कि जो 16 आएगा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 8 से अधिक है और 56 से कम है। तो जो 8 से अधिक और 56 से कम हो उसको कितना से भाग देते हैं? तो 8 से डिवाइड करते हैं। तो 16 इज डिवाइडेड बाई 8, 8 × 16, ये टोटल कट जाएगा। यहाँ पर जो बचता है ना दोस्त, वो देता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो यहाँ पर तो कुछ नहीं बचा, यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया? 0। और जो यहाँ पर मिलता है वो देता है सिग्मा बॉन्ड। तो बताइए सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना हो गया? 2। तो बताइए सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को जोड़ दे तो 2 और 0 जोड़ोगे तो बाबू आएगा कितना? 2। और हमने बताया था कि सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के बाद अगर 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है दोस्त? तो तुम कहोगे सर sp होता है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। और अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, इस पर हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, अभी आपको सिखा ही के छोड़ने वाले हैं। तो यहां से 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp, ठीक है ना। इसको आप जल्दी से नोट डाउन करें, कॉपी और कलम साथ में रखें, जहाँ पर आपको जरूरत पड़े उतारते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। और यह रेगुलर चलने वाला है आपका हाइब्रिडेशन का टॉपिक या GOC जितना है, रेगुलरली आपको पूरा टॉपिक कवर हम करा देंगे। ऑर्गेनिक में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट करिए, आपको जो दिक्कत होता है अच्छा लगता है तो कमेंट करिए, और उसके बाद शेयर जरूर करें, ठीक है ना। खैर तो और हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो कई लोगों को ये दिक्कत होगा कि सर बार बार हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो दिक्कत है। तो आपको कुछ करना नहीं है, देखिए हम आपको एक सिंपल सा बात बताते हैं। क्या करिए, आप पीरियोडिक टेबल आपके पास होगा और सब स्टूडेंट के पास होनी चाहिए जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं। पीरियोडिक टेबल के अगर हम स्ट्रक्चर को आपको दिखा दें तो उसी के आधार पर जल्दी से आपको चीज़ें समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। यह है पहला बाबू, ये जो एस ब्लॉक इधर जो होता है वो एस ब्लॉक होता है, इधर जो होता है बाबू वो पी ब्लॉक होता है, जो बीच वाला जो है ये डी ब्लॉक है, और जो नीचे होता है बाबू होता है एफ ब्लॉक। जनरली आपको जो क्वेश्चन मिलेगा, जनरली ऐसा नहीं है, जनरली आपको ये सब पी ब्लॉक से रिलेटेड रहेगा, कुछ कुछ डी भी रहेगा, कुछ कुछ एफ भी रहेगा। लेकिन हम लोग ये याद रखें कि जो पहला ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट, ये सेकेंड ग्रुप का, पहला ग्रुप कौन है? तो पहला ग्रुप का एलिमेंट है बाबू है ली ना के रब से फरियाद, देखा जा रहा है लीना के रब से फरियाद। तो फर्स्ट ग्रुप के जो जितने भी एटम है आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो लिथियम बाबू आता है 3 पर, तो 2 और 1, यानी इसके बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 1। तो इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स है सब के बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 1। तो उसी तरह से अगर हम बोल दे बाबू सेकेंड ग्रुप, तो बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, तो ये सेकेंड ग्रुप का जो एलिमेंट है तो इसके बाहरी सेल में कितना हो गया? 2। उसी तरह से 13 में आ जाएं, 14 में आ जाएं, 15, 16, 17 और 18, ठीक है। तो देखिए 13 क्या है, तो देखिए यहाँ पर 2 और 2 के बाद यहाँ 13 से स्टार्ट हो रहा है, तो 10 ये जो डी ब्लॉक है ना उसमें 10 गो ग्रुप होते हैं, यानी 10 गो का गैप है, यानी 10 तो इसके लिए जुटा है, तो ये 13 कैसे कन्वर्ट होगा? 10 + 3 है ना, यानी इसके बाहरी सेल में जितने भी 13 ग्रुप का एलिमेंट है, कौन कौन एलिमेंट है जो, तो बैगन आलू गाजर इन थैला, ठीक है ना। ये जितने भी 13 ग्रुप के एलिमेंट है सब के बाहरी सेल में 13 इलेक्ट्रॉन होगा कि 3 होगा, है ना। उसी तरह से जो 14 ग्रुप का है, कार्तिक शिव गणेश संग पार्वती, इसमें कितना होगा? 4। 15 में कौन है बाबू? नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिहारी, इसमें कितना होगा? 5। 16 में कौन है? ओस से तेल पाओ। 17 में कौन है बाबू? फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एंस्टेंटीन। 18 में कौन है? हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन जेनन और रेंटॉन, है ना।
तो इस सब के बाहरी सेल में 8, इसमें सब में बाहरी सेल में 7, इसमें सब में बाहरी सेल में 6, इसमें 5, इसमें 4, इसमें 3। तो आप ऐसे याद रखें तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। उतना आपको लिखने की जरूरत नहीं कि कौन सा एलिमेंट कौन सा पीरियड का है। अब देखो आपको एकदम सिंपल सिंपल और जल्दी जल्दी समझ में आएगा। जैसे अगर हम आपसे बोले कि बाबू बताओ, जैसे चलो अब जो जो हम लोग पहले क्वेश्चन किए थे उसी को ले लेते हैं। जैसे CH4 है, ये हम लोग पहले करे थे, पहला ही क्वेश्चन ये था कि CH4 का हाइब्रिडेशन बताइए। तो हम लोग क्या निकालने वाले हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, देखिए 14 में है ना, तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 4। हाइड्रोजन कितना में, वो 1 में, यानी इसके वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा 1, है ना। तो अब बताओ 1 होगा लेकिन ऐसा ऐसा क्या होगा है 4, तो 1 × 4 दैट मीन्स 8, है ना। अब बताइए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना आ गया बाबू 8। तो हमने बोला था कि अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से कम या 8 से बड़ा 8 के बराबर हो, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से कम या 8 के बराबर तो डिवाइडेड बाय 2, 8 से अधिक और 56 से कम या 56 के बराबर तो डिवाइडेड बाय 8, और 56 से अधिक रहेगा यानी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 56 से अधिक रहेगा तो कितना से डिवाइड करना है दोस्त, 18 से, ठीक है ना। अब बताइए दोस्त 8 कहाँ पर है, 8 के बराबर है 8 से कम, कितना से डिवाइड करना है 2 से, तो 2 से डिवाइड कर दोगे, 2 × 4 कितना होगा बाबू 8, नीचे कट के 0 आ गया। हमने क्या बताया था कि ये जो मिलता है वो सिग्मा बॉन्ड और यहाँ जो मिलता है लोन पेयर, तो सिग्मा बॉन्ड 4 और लोन पेयर कितना 0, टोटल कितना आ गया 4, और टोटल 4 आ गया तो हाइब्रिडेशन sp3, तो ऐसे भी निकाले तो हाइब्रिडेशन कितना आया था sp3, ठीक है ना। कुछ और क्वेश्चन करके आपको दिखा देते हैं। जैसे अगर मान लो दोस्त कि अगला जो क्वेश्चन ले लें कि जैसे CO2 हो गया है NH4+ ले लेते हैं, NH4+ इसको ध्यान में रखिए, ठीक है, NH4+ है ना। अब बताइए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन आता है 15 में, तो 15 में जो भी आएगा उसके बाहरी सेल में 15 की 5, तो ऑब्वियसली आप बोलोगे 5 है ना, तो यहाँ पर यहाँ लिखेंगे हम लोग दोस्त 5, और हाइड्रोजन के बाहरी सेल में कितना होता है 1, लेकिन है क्या वो 4, 1 × 4। अब थोड़ा ध्यान रखिए इस पर प्लस दिया है, तो प्लस का मतलब क्या है, जब इलेक्ट्रॉन कोई भी स्पीसी लॉस करता है तो उस पर प्लस चार्ज आता है, और जब गेन करता है तो उस पर माइनस चार्ज आता है। यानी यहाँ पर प्लस क्या इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन का लॉस क्या होगा, कितना प्लस है 1+ है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस यह है, यानी जो भी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है उसमें से क्या कर देंगे घटा देंगे। अगर इस पर माइनस रहता तो इसका मतलब घटा देंगे कि जोड़ देंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि माइनस का मतलब गेन करना और प्लस का मतलब लॉस करना। तो आप बताइए दोस्त कितना हो गया, 5 × 4 = 9 में से 1 जाएगा दैट इज 8, और 8 इज डिवाइडेड बाई 2, और 2 को डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 4, अगर ये 4 है तो हाइब्रिडेशन sp3, ठीक है ना। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। और हम आपसे क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवाते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं दूर हो जाए इसमें पूरा का पूरा, और आप लोग का टास्क रहेगा कुछ क्वेश्चन हम आपको आज दे देंगे, आप इसको बनाइए, आपको ऑब्वियसली पूरा का पूरा चीज़ क्लियर होगा। और जिस भी स्टूडेंट का हाइब्रिडेशन ठीक हो जाता है, केमिस्ट्री की दुनिया में हम लोग यहीं से प्रवेश करने वाले हैं, इसलिए इस टॉपिक को लिए हैं कि आपको बढ़िया से समझा दें, अगर कोशिश करेंगे आप तो आपको पूरी केमिस्ट्री बहुत ही आसान लगेगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन लेके दिखाते हैं, ठीक है ना। जैसे XeF2, ठीक है, चलिए इसको बनाना है XeF2, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, ठीक है। ऐसे हम आप इसको बॉन्डिंग भी करके बना सकते हैं कि कितना बॉन्ड बना, कितना लोन पेयर हुआ, कितना सिग्मा बॉन्ड हुआ है कि नहीं, लेकिन वो थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस है, ऐसा बनाना जरूरी है दोनों मेथड से, लेकिन हम लोग टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। जेनॉन देखिए, तो जेनॉन कितना में है दोस्त 18 में, ठीक है, तो 18 में, तो इसके बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 18 × 8, आप बोलोगे 8 है ना, तो यहाँ से हो जाएगा 8। फ्लोरीन देखिए 17 में, तो 17 में, तो इसके बाहरी सेल में कितना 7, 17 है तो बाहरी सेल में 7, क्या लिखोगे बाबू 7 × 2 है ना, 7 × 2 तो 8, और 7 दोनों का कितना होता है 14, 14 × 8 कितना हो गया बाबू 14 × 8 हो गया 22, ठीक है ना। अब 22 को कितना से डिवाइड करोगे, देखो 8 से अधिक, 56 से कम या 56 के बराबर, तो कितना से डिवाइड करना है 8 से, तो इसको हम लोग किससे भाग देंगे 8 से, कितना आ जाएगा 8 × 16, ये कितना बचेगा बाबू 8। अब देखना ये 8 बचा तो ये 16 × 6 = 22 होगा, है ना। अब यहाँ से देखिए दोस्त,
टोटल 22 को क्या था, 22 को टोटल इलेक्ट्रॉन था, पेयर नहीं था, इलेक्ट्रॉन था। तो यहाँ पर जो बचा वो क्या बचा, इलेक्ट्रॉन का पेयर बचा कि इलेक्ट्रॉन बचा, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन बचा। तो 6 को इलेक्ट्रॉन है, अगर हमने बताया था कि जो नीचे बताओ लोन पेयर बचता है, तो लोन पेयर 6 को नहीं होगा क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है, पेयर बनाना है, तो पेयर मैंने जोड़ा है ना, तो 6 को कै गो जोड़ा बनेगा, तो 3 को, यानी 6 से जोड़ा बनाना है तो इसको कितना से डिवाइड करोगे आप, 3 से, सॉरी 2 से, तो 2 से डिवाइड करोगे तो लोन पेयर कै गो बन गया, 3 को। अब बताओ 2 को सिग्मा बॉन्ड और 3 को लोन पेयर, टोटल जोड़ दोगे बाबू कितना जाएगा, 5। अब 5 आएगा तो हाइब्रिडेशन देखना हमने लिखवाया है क्या आता है, sp3। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, इसको भी आप उतारते जाइए, जितना भी क्वेश्चन हम लिखते जा रहे हैं आप उतारते जाइएगा, समझते जाइएगा, बनाते जाइएगा, ज्यादा अगर दिक्कत होता है तो आप इसको पॉज करके बनाइएगा, रोक रोक के पढ़िएगा, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। चलिए अगला एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखिएगा। अच्छा, कितने स्टूडेंट सोच रहा होगा सर हम लोग तो ये पढ़ते हैं कि ये तो एनर्ट गैस है ना, तो एनर्ट गैस तो रिएक्शन करता नहीं है, कैसे कंपाउंड बन गया, तो ये सब 18 ग्रुप एलिमेंट में ही पढ़ना है 12th क्लास में, तो वो सब चैप्टर में होगा। अभी हम लोग जिस पार्ट पर है उसी को फोकस करें, XeF4 जितना भी हम लिखें XeF2 XeF4 और XeF6, ये तीनों का तीनों कंपाउंड 12th से पूछा गया क्वेश्चन है ना, और क्योंकि ये 18 ग्रुप में पढ़ना है तो ये आप ध्यान रखिए इसको। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए, तो ऑक्सीजन अभी पढ़े थे 8 और फ्लोरीन का अभी पढ़े थे 7, 7 उन्होंने 4 हो जाएगा बाबू, 28 और 8 कितना हो जाता है 36 है ना, ओबियसली 36 को आप 8 से डिवाइड कर दोगे और चूंकि 32 4 आ जाएगा, 4 को कितना से डिवाइड करोगे 2 से, ठीक है ना। टोटल 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, और अगर 6 हो जाएगा तो हाइब्रिडेशन क्या लिखोगे बाबू, sp3d2, ठीक है ना। तो हम समझते होंगे कि आपको ये सब क्वेश्चन प्रॉब्लम प्रैक्टिस आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम लोग इस मेथड से निकालते हैं, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन हम आपके लिए लेते हैं जल्दी से, XeF4 के बाद XeF6 है, बताओ बना सकते हो, तो जनरली आप बना दोगे, क्या करोगे सर यहाँ पर 6 से गुना कर देंगे, तो 7 6 कितना होगा बाबू 42, 42 वाट कितना हो जाता है 50, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या लिखोगे बताओ, 50, 50 को कितना से भाग दोगे, तो ओबियसली 56 से अभी भी क्या है बाबू कम है, तो कितना से डिवाइड कर दोगे 8 से, 8 6 कितना हो जाएगा 48, ये कितना बचेगा 2, ये 2 को लोन पेयर नहीं है, अभी इलेक्ट्रॉन है, पेयर बनाने के लिए कितना से भाग दोगे 2 से, तो 2 से भाग दोगे, तो 2 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा 1, 6 और 1 कितना होता है बाबू 7, और अगर ये 7 हो जाएगा तो हाइब्रिडेशन देखो हमने लिखवाया होगा आप लोगों को sp3d3, ठीक है ना। आई होप आपको ये पूरा हाइब्रिडेशन ट्रिक्स से कैसे निकालते हैं आपको समझ में आ गया होगा, और हम आपको इस पर अभी बहुत सारा प्रॉब्लम लिख दे रहे हैं, आप इसको प्रैक्टिस करिए, ऑब्वियसली आपको ये निकालना आ जाए। तो स्टूडेंट अभी हम आपको निकालना सिखाए थे कि हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिएगा, 8 से कम होगा या 8 के बराबर 2 से भाग देना है, 8 से अधिक 56 से कम तो 8 से भाग देना है, और अगर 56 से अधिक तो 18 से भाग देना। उसके आधार पे हम ये पूरा प्रॉब्लम लिखे हैं आपके लिए, ये पूरा प्रॉब्लम लिखने के बाद इसको आपको घर पे प्रैक्टिस करना है, और जो भी आपको प्रॉब्लम होगा जो भी क्वेश्चन में आप कमेंट में हमको बता दीजिएगा सर इसमें प्रॉब्लम है, अगले लेक्चर में जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। अभी आप इतना प्रॉब्लम को स्क्रीनशॉट करिए, अभी हम इतना ही और क्वेश्चन देने वाले हैं, अगर आप इतना क्वेश्चन जितना हम दे रहे हैं उतना प्रैक्टिस कर ले तो आपका हाइब्रिडेशन बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए और फिर हम लोग आगे और क्वेश्चन लिखते हैं। चलो तो बाबू और हम ये क्वेश्चन लिख दिए हैं, और पहले क्वेश्चन था उतना और ये क्वेश्चन इतना क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करना है घर पे, और ज़रूर प्रैक्टिस करें, आपको आगे की केमिस्ट्री आसान से समझ में आएगा, और जो भी इसमें प्रॉब्लम होगा आप कमेंट में हमें लिख के बता दीजिएगा, आपको सॉल्व करके हम दे देंगे, ठीक है ना। तो आज भाई इतना ही इस लेक्चर में, बाकी हम लोग अगले इसी लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और हाइब्रिडेशन क्या होता है इसको परिभाषित करेंगे, मतलब समझेंगे और बहुत सारी चीज़ें इसमें जो समझेंगे, ठीक है, थैंक यू।